हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो है उस पर हम बहुत जल्दी से आएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि डायपर साइज बच्चों के लिए कौन सा सही रहेगा, कौन सा डायपर अच्छा रहेगा, कि किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए सही साइज का डायपर चूज कर सकते, सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के लिए एक रॉन्ग साइज का डायपर सिलेक्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आप डायपर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप कौन कौन से क्राइटेरिया दिमाग में रख के डायपर सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है बेबी का वेट। तो जब भी आप किसी भी ब्रांड का डायपर देखते हैं, साइज के साथ उसकी वेट रेंज भी मेंशन होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो न्यू बॉर्न अप टू 5 kg, स्मॉल के साथ लिखा है 4 to 8 kg। तो जैसे कि आप न्यू बॉर्न के लिए देख रहे हैं अप टू 5 kg, तो मैं आपको अपने एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जब अद्विक हुआ था तो वो था 3.2 kg का, तो मैंने न्यू बॉर्न वाले ही डायपर लिए थे क्योंकि वो बच्चे के लिए एकदम सही होते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी बड़े पे जाते हैं तो तभी के तभी लीकेज वगैरह कुछ भी हो सकती है। ये जो दो वेट रेंज आप देख रहे हैं, एक स्मॉल के लिए 4 to 8 kg, मीडियम के लिए 7 to 12 kg, इसमें अक्सर पेरेंट आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपका बच्चे का वेट 7 kg का है तो आप कौन सा वाला डायपर सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल या मीडियम। तो ऐसे केसेस में अगर आपका बेबी का जो वेट है वो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 4 to 6 एंड 6 to 8 में। अगर उसका वेट 7 kg है तो उस टाइम पे आप सिलेक्ट एस नहीं करेंगे, उस टाइम पे आप जाएंगे फॉर मीडियम साइज, जो कि 7 से 12 की रेंज में फॉल हो रहा है। तो जब भी आप डायपर सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका बेबी का जो वेट है वो एंडिंग के नंबर 6.5 से नीचे अगर बच्चे का वेट, तो मैं स्मॉल साइज पे जाऊंगी। तो इस तरह से आप वेट जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड कर लीजिए एंड देन आप जो रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक परफेक्ट साइज का जो डायपर है वो सिलेक्ट कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए। तो जिसकी वेट हो गया, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्राइटेरिया पे कि आप किस तरह से जो डायपर है उसका सिलेक्शन करें। तो एक होता है 2-finger test। तो 2-finger test के थ्रू भी जो डायपर सिलेक्शन मेथड है वो काफी इजी हो जाता है। बच्चे को डायपर पहनाने के बाद अपनी 2 उंगली थ्रू हिज वेस्ट लाइन से आप एक बार डाल के देखिए। अगर आपकी 2 उंगली आराम से जा रही है तो डायपर परफेक्ट साइज का है। सेम आपको करना है फ्रॉम द थाई एरिया, यानी कि जो लेग कफ है वहां से भी आपको जो 2 fingers है वो डाल के देखनी है। और अगर वो भी इजिली जा रही है तो जो बच्चे का डायपर है वो इन परफेक्ट साइज में है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है, अगर आप कोई डायपर यूज कर रहे हैं और उससे बच्चे को रेडनेस या रैशेज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके बच्चे के लिए रॉन्ग डायपर है। मे बी वो कहीं से टाइट है, फिटेड है, या वो डायपर आपके बच्चे को सूट नहीं हो रहा है, तो वो डायपर आपको इमीडिएटली चेंज कर लेना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे आपका बच्चा न्यू बॉर्न है तो सबसे ज्यादा एम्बेलिकल कॉर्ड का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा जब भी आप डायपर पहना रहे हैं बच्चे को, तो जो डायपर है वो आपको बच्चे के बेली बटन से, चाहे आप टेप डायपर पहना रहे हैं या पेन डायपर पहना रहे हैं, अगर आप बेली बटन पे रख से जो एम्बेलिकल कॉर्ड है वो डिस्टर्ब हो सकती है एंड आपको पता है उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं ड्यूरिंग, अगर उसकी एम्बेलिकल कॉर्ड है न्यूबॉर्न है या बाद में भी, तो हमेशा जो डायपर है वो बिलो बेली बटन होना चाहिए। और आपको एक और चीज़ भी देखनी है, जब आप डायपर पहनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बेली से चेक कर लिया एंड इट्स ओके, बट हमेशा ये भी देख लीजिए जो डायपर है उस वो थाइस से बहुत लूज ना हो, अदरवाइज वहाँ पे लीकेज हो सकती है एंड वो भी एक रॉन्ग डायपर सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं डुगू के लिए यूज़ कर रही हूँ ये लव लैब के डायपर्स एंड सीरियसली गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसका एक पैक मैंने मीडियम वाला ख़त्म कर दिया है। डुगू के लिए मैं मीडियम साइज़ यूज़ कर रही थी डायपर का, अब मैं इसका जो लार्ज साइज़ है वो यूज़ करूँगी। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डायपर है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन पावर है एंड सीरियसली ये वाला डायपर अभी तक के लाइक बेस्ट अफोर्डेबल डायपर्स है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ डायपर साइज। जब भी आप बच्चे के लिए डायपर सेलेक्ट कर रहे हो, वेट रेंज देखिए एंड फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ वेट का देखिए एंड देन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा साइज पे जाके जो वेट रेंज है वो कंपेयर करिए। और जो भी आपका फर्स्ट पे पड़ रहा है वो डायपर रेंज जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको टेस्ट करनी है। कुछ टाइम पास होने के बाद आपको खुद से ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। और ये वीडियो स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स थी कि डायपर सिलेक्शन के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और जब ये वेट रेंज और ये सिलेक्शन की बात आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम वही वेट रेंज है पर सिलेक्ट कौन सा डायपर करना है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, और इन लव लैब के डायपर्स की लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट राइट नाउ।